जैसे कि आप लोग देख रहे हैं राजू जी का जो फार्म लगाना था, जिस फार्म में आना था, राजू जी आ चुके हैं और इनके इस एक्सीलेटर के आगे बहुत कम लोग ही टिक पाते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में बकरे की कलेजी, रोटी और चावल रखा है। मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है बहुत ही तड़ाकेदार भड़ाकेदार चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पवन जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बकरे की कलेजी, चावल और रोटी लगी हुई है। आज हमारा बकरे की कलेजी चावल रोटी ईटिंग चैलेंज है और इस चैलेंज में तीन चैलेंजर बैठ चुके हैं, मोहम्मद यासीन जी और राजू जी और पवन इलाहाबादी। तो देखते हैं तीनों चैलेंजरों में कौन फर्स्ट आता है, कौन बकरा कलेजी खा करके जाता है, कौन इस चैलेंज में टॉप करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो चैलेंज होने चल रहा है, कलेजी मसाला जो कि बकरे की कलेजी है, बकरे की कलेजी मसाला रोटी और चावल खाने का चैलेंज होने चल रहा है। तो तीन चैलेंजर बैठ चुके हैं, एक है मोहम्मद यासीन और एक है राजू, और दोनों लोगों का साथ देने के लिए बैठ चुके हैं पवन इलाहाबादी। तो देखना है कि तीनों लोग में जीतते कौन हैं। तो पवन जी टाइमर को चालू करिए, देर मत करिए, और यहाँ पर टाइमर चालू होके एकदम पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और टाइमर चालू होते ही तीनों लोग जुड़ चुके हैं। तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली कौन करता है। बात गजब। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं राजू जी का जो फार्म लगाना था, जिस फार्म में आना था, राजू जी आ चुके हैं और इनके इस एक्सीलेटर के आगे बहुत कम लोग ही टिक पाते हैं। और यहाँ पर बैठे हैं पवन इलाहाबादी जी, जिनकी हाई वोल्टेज वाली बाइट बहुत ज़्यादा मशहूर है और हाई पावर का थ्रेसर लेकर बैठ चुके हैं मोहम्मद यासीन। बात गजब। तीनों चैलेंजर बहुत ही सोचबूझ, बहुत ही धैर्य बनाकर चल रहे हैं और देखना है कि इन तीनों में सबसे पहले इस थाली को खाली कौन करता है। जो सबसे पहले इस थाली को खाली करेगा वो आज का विजेता कहलाएगा। और विजेता बनने के लिए जो पावर आप लोग लगाए हैं उस पावर से थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। और जिस तरह से राजू अपना पावर लगाए हैं, बहुत ही गजब, बहुत ही गतिशील, विद्युतीय गति से राजू अपनी पावर लगा चुके हैं और सभी लोग रोटी को अपने थाली पे रख रहे हैं, जबकि राजू जी पूरी तरह से अभी बेखौफ खा रहे हैं कि चलो चलो जैसे चल रहे हो हम पीछे पीछे हैं, सबको हरा देंगे। बहुत गजब। और मोहम्मद यासीन जी पूरी तरह से इस समय सलाद पे जुटे हुए हैं कि सबसे पहले इस सलाद को ही हटा दिया जाए रास्ते से, जबकि पवन जी तीन के तीनों आइटम साथ में लेकर चल रहे हैं, चावल थोड़ा नहीं लेकिन लेकर चल रहे हैं सब चीज़। बहुत गजब। और राजू जी देखते ही देखते लगभग लगभग काफ़ी हद तक का चावल और रोटी को उड़ा चुके हैं। बहुत गजब। और जो गति चाहिए थी वो गति तीनों चैलेंजरों में है और जो गति बनाना था वो बना चुके हैं। इस समय राजू जी पूरी तरह से फॉर्म में चल रहे हैं और ये देखिए पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं रोटिया का और ग्रेवी मिलाना चाह रहे हैं और ग्रेवी मिला भी लिए हैं। और इसी अंदाज में मोहम्मद यासीन भी आ चुके हैं और देखते हैं पवन जी कौन एक्सीलेटर लगाते हैं। बहुत गजब। अभी तीन की तीनों रोटियां राजू के थाली में, लगभग लगभग तीनों रोटियां पवन जी के थाली में, तीनों रोटियां और मोहम्मद यासीन जी के थाली में भी अभी तीनों रोटियां अटखेलियां कर रही हैं, जबकि चावल के मायने में अगर देखा जाए तो राजू का चावल ज़्यादा ख़त्म हुआ है। बहुत गजब। और अब आ गए हैं पवन जी अपने फॉर्म में। तो देखना है कि इस हाई वोल्टेज के आगे तीनों लोग, दोनों लोग टिक पाते हैं कि नहीं। बहुत गजब। और मोहम्मद यासीन जी का जो पावर चल रहा है उसके आगे भी शायद ही दोनों लोग टिक पाएँ। मोहम्मद यासीन जी जब भी बैठते हैं तो एक बहुत ही गजब वाला हाई पावर लगा देते हैं, जिसके आगे सभी लोग एकदम पूरी तरह से धराशायी हो जाते हैं। और राजू जी पूरी तरह से जुटे हुए हैं। अब देखिए मोहम्मद यासीन जी रोटी को पूरी तरह से टुकड़े में कर लिए हैं और गिरे भी मिलाना चाह रहे हैं। और यहाँ पर अब पवन इलाहाबादी जी भी पूरी तरह से आ चुके हैं अपने फॉर्म में। और इस फॉर्म का क्या परिणाम निकलेगा अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। जो मंजिल तक जाएगा वही विजेता कहलाएगा। तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली कौन करता है, जो
विजेता की श्रेणी में। और राजू जी पूरी तरह से रोटी को, पूरी की पूरी रोटी इस समय थाली में तोड़ कर रख लिए हैं और ग्रेवी में मिला रहे हैं। राजू जी भैया जिसकी ताका झाकी कर रहे हैं मोहम्मद यासीन, और मोहम्मद यासीन जी पूरी तरह से रोटी को समाप्त किए हैं। और चावल में जाने का मतलब इनकी जेसीबी बहुत तेज चल जाती है और इनके जेसीबी के आगे शायद ही दोनों चैलेंजर टिक पाए। लेकिन राजू पूरी तरह से लगभग लगभग आधे से ज़्यादा चावल समाप्त कर दिए हैं, जबकि पूरी तरह से भी बचे हुए हैं तो पवन जी, जिनके थाली में चावल और रोटियाँ दोनों अभी अवशेष के रूप में हैं। बहुत गजब। बहुत ही गजब का चैलेंज, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस समय तीन के तीनों चैलेंजर बहुत ही सूझबूझ धैर्य से जुटे हुए हैं। और ये देखिए मोहम्मद यासीन जी चावल को पूरी तरह से खींच लिए अपनी तरफ और मिला लिए हैं इस कलेजी मसाला में। बहुत गजब तरीके से मोहम्मद यासीन जी बाइट मार रहे हैं और हमको नहीं लगता है कि इनका साथ कोई पकड़ पाएगा। चार मिनट यानी पाँच मिनट के इस दौर में मोहम्मद यासीन जी लगभग लगभग काफ़ी हद तक का आगे जा चुके हैं। और ये देखिए बहुत बड़ी कलेजी निकली है पवन के पीस है, पवन के थाली से दो पिसा नहीं है। बहुत गजब। और इस समय राजू जी मशीन इनकी शायद थोड़ा सा स्लो हो चुकी है, क्योंकि अंदर टंकी में जब सामान जब प्रोडक्ट पहुंच जाता है तो लगभग लगभग मशीन स्लो होना चालू हो जाता है। जबकि मोहम्मद यासीन जी पूरी तरह से चावल को एकदम मिक्स कर लिए हैं इस ग्रेवी में, और लगभग लगभग हमको लगता है कि मोहम्मद यासीन जी को पीछे करना किसी के बस की बात नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि पवन भी बोल चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हौसला बनाए रखिए। छः मिनट के इस सफ़र में तीन के तीनों चैलेंजर बहुत ही गजब सूझबूझ से आगे चल रहे हैं और बहुत ही अच्छी बढ़त बनाकर चल रहे हैं मोहम्मद यासीन। और ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद यासीन सात मिनट के अंदर पूरी तरह से चैलेंज को पूरा कर देंगे। और इस समय राजू थाली में गिलास रख लेते हैं तो समझ लीजिए कुछ करिश्मा दिखाने वाले होते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं लगता है कि मोहम्मद यासीन जी के आगे कोई करिश्मा दिखा पाएंगे। और ये देखिए मोहम्मद यासीन जी पूरी तरह से प्लेट को साफ कर दिए हैं, मतलब लास्ट बाइट विजेता वाली डाल रहे हैं और अभी बचा हुआ है तो सलाद। बहुत गजब तरीके से मोहम्मद यासीन जी जीत हासिल कर लिए। बहुत गजब। 6 मिनट 40 सेकंड में मोहम्मद यासीन जी पूरी तरह से बाइट को मुंह के अंदर कर लिए हैं, जबकि राजू के थाली में अभी भी चावल और रोटी अटखेलियाँ कर रही हैं और पवन के थाली में मात्र चावल ही खेल रहा है। तो देखना है कि राजू और पवन जी कितनी देर में समाप्त करते हैं इस प्लेट को। भैया 765, मतलब पवन जी कहना चाह रहे हैं कहाँ 765 हाथ पावर और कहाँ 744 ट्रैक्टर और 65 हाथ पावर का ठेसर लगेगा भैया, हम लोग कहाँ उसके आगे जा पाएंगे। हाँ राजू जी बहुत गजब तरीके से 7 मिनट 23 सेकंड हो चुका है तो मोहम्मद यासीन जी जीत हासिल कर लिए। तो पवन जी क्या कहना चाहेंगे? यासीन जी ठंडा नहीं पिए इस वजह से लग रहा है जीत गए। इस वजह से लग रहा है जीत गए फटाफट। हम लोग ठंडे के चक्कर में पड़ गए इसलिए ठंडे हो गए। ठंडे के चक्कर में जो लोग पड़ता है वो ठंडा ही हो जाता है। यहाँ पर राजू नींबू पानी मतलब नींबू निचोड़ रहे हैं। तो इस चैलेंज में यासीन जी जीत चुके हैं तो यासीन जी का धन्यवाद करते हैं। जी मजा आया कि नहीं? मजा बहुत आया। थोड़ी बहुत ट्रिक हमें भी बता दिया करो, कौन सी पावर लगाते हो, ट्रिक लगाते हो? हम खाते रहते हैं, आप देखा करो ना कौन सी ट्रिक्स चलते हैं। तो यासीन जी आते हैं जब भी अपना एक्सीलेटर पावर लगाते हैं तो उसके आगे कोई नहीं टिक पाता है। तो यासीन जी का धन्यवाद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।